आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेक। आठ बंदूकधारी अपराध कर्मियों ने पूर्णिया जिला अंतर्गत रुपौली थाना के टीका पट्टी कोरियर हाई स्कूल के समीप 21 लाख रुपया मवेशी व्यापारियों से छीन कर फरार हो गए। कहा जाता है कि खगड़िया से मवेशी व्यापारियों ने 21 लाख लेकर पूर्णिया लौट रहे स्कॉर्पियो से लौट रहे थे। चालक अकेले 21 लाख रुपया लेकर रुपौली पहुंच रहे थे। इसी बीच गोरियर हाई स्कूल के समीप 5 बाइक सवार 8 अपराधियों ने लूटपाट कर बिलदौर के मुरली गांव निवासी चालक सोनू से 21 लाख रुपया लूटकर फरार होने में सफल हुआ। कहा जाता है कि हथियार से लैस 8 अपराधी बड़े ही बारीकी के साथ मोटरसाइकिल स्कॉर्पियो के आगे लगा दिए और वो 21 लाख रुपया से भरा बैग लेकर चंपत हो गए। कहा जा रहा है कि मवेशी खरीदगी के बाद अकेले ड्राइवर सोनू 21 लाख रुपया पेमेंट देने के लिए आ रहे थे, इसी बीच यह छिनतई हो गई। अब पुलिस इस विषय में जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर मामला क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।